गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए NTA UGC NET JRF इकोनॉमिक्स, जिसका एग्ज़ाम 20 जून को होने वाला है, उसके लिए मैंने कुछ श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हुए हैं। बच्चों, आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसका आंसर बताएंगे, सो दैट कि आपकी रैंकिंग, आपका JRF, आपका नेट कन्फर्म हो जाए। बच्चों, तो बच्चों चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बच्चों, एक और इन्फॉर्मेशन, बच्चों मेरा नया बैच शुरू हो रहा है दिसंबर 2023 के लिए, यानी NTA UGC NET JRF इकोनॉमिक्स दिसंबर 2023 के लिए नया बैच शुरू हो रहा है, जिसका नाम है गोल। आप देख सकते हैं बच्चों, जिसका नाम है गोल। ये एक ऐसा बैच है बच्चों, जिसमें मैं आप लोगों को 100% सक्सेस की गारंटी देता हूँ, यानी आपका नेट 100% होगा, और यदि नहीं होगा तो पैसे वापस। देख लीजिए क्यों मैंने आप लोगों को ये बात कही है। ये जो कोर्स है वो हाइब्रिड बैच है बच्चों। हाइब्रिड बैच का मतलब होता है कि इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ लाइव लेक्चर भी मिलेगा। यानी कि मान लीजिए कि हमारा जो कोर्स है मंडे से शुरू हो रहा है, तो मंडे एंड ट्यूजडे को मैं आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर रिलीज करूँगा, और जो भी 8 से 10 घंटे का लेक्चर मंडे एंड ट्यूजडे में होगा, उससे रिलेटेड मैं आपको वेडनेसडे को उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे। सिमिलरली थर्सडे एंड फ्राइडे को मैं आपके लिए वीडियो रिलीज करूंगा, और फिर उन वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं हम सैटरडे को डिस्कस कर देंगे, और इस तरीके से ये चलता रहेगा। 20 हफ्ते में इस पूरे कोर्स को हमें कंप्लीट करना है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं, कंसेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस करने के तरीके भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो बच्चों, आप देर किस बात की, आज ही हमारा इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें, और हाँ, उस ऐप पे भी बहुत सारे फ्री मटेरियल आपके लिए अवेलेबल है। रिवीजन क्लासेस भी हैं, कुछ MCQs के लिए आपका डिस्कशन भी है, तो वो भी आप वहाँ से PDF भी है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यदि आप फ्री में पढ़ना चाहें तो। नहीं तो पेड कोर्स के लिए आप गोल ज्वाइन करें दिसंबर 2023 के लिए, और उसके लिए प्ले स्टोर से मेरा ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बच्चों चलते हैं स्क्रीन पे, और आज देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कौन सा है। बच्चों आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट रेकमेंड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया। इंडिया में मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन रेकमेंड करता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस समझते हैं ना बच्चों, यानी आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को मैं थोड़ा सा यहां पे आप लोगों के लिए बताना चाहता हूं बच्चों। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये है क्या, पहले ये समझिए। बेसिकली हमारे बेसिकली ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और किसानों के इनकम को एक पर्टिकुलर लेवल पे लाने के लिए इस तरह का सरकार इस तरह की व्यवस्था करती है। एक और रीज़न है कि हमारे किसान जो हैं, मोस्टली किसान हमारे गरीब हैं, और जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है, जब फसलों की कटाई होती है, तो मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे किसानों की फसलों की प्राइस या अनाज की प्राइस गिर जाती है, और किसान अपने मेहनत का प्रॉपर उनको मेहनताना नहीं मिल पाता है, अपने अनाज का प्रॉपर पैसा नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि मार्केट में कोई भी रेट हो, यदि आप हमें बेचना चाहें, यानी सरकार को यदि बेचना चाहें, तो आपको एक पर्टिकुलर रेट पे पैसा आपको मिल जाएगा, और सरकार आपकी अनाज खरीद लेगी। अब ये बात आती है कि MSP जो है, MSP तो एक हो गया कि सरकार उसमें प्राइस के बहुत ज़्यादा घटने से किसानों की आमदनी कम ना हो, वो गरीब ना हो, इसलिए MSP की व्यवस्था की गई। अब ये कैसे होगा, कितना MSP, मान लो गेहूं की प्राइस कितना रखा जाएगा, 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, कितना रखा जाएगा? तो दैट्स डिपेंड्स अपॉन द उसका इनपुट कॉस्ट कितना लगता है।
और इनपुट कॉस्ट इन सब को डिसाइड करने के लिए एक हमारे पास एक कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूट होता है जो बताता है कि इस साल गेहूं की मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतनी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन वही है कि इस साल मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। तो आप देख सकते हैं बड़ा ही सिंपल सा केस है बच्चों। देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर नहीं करता है इसको, कौन करता है? द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिकमेंडेड बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नहीं, ये भी नहीं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज रिकमेंडेड बाय कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये वाला कौन सा है बच्चों? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये डिसाइड करता है। तो इसका आंसर आपके पास थर्ड यानी सी पार्ट है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंस्टीट्यूट है जो MSP रेकमेंड करता है कि इस साल गेहूं की, अनाज की या फिर दालें की या फिर गन्ना की प्राइस इतनी होनी चाहिए। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, बच्चों मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं। इंडियन इकोनॉमी में कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं और कुछ डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। यदि आप सिर्फ स्टैटिक भी कर ले, डेटा मान लो कि आपको याद भी नहीं रहा, यदि कुछ स्टैटिक भी आपको याद हो जाए तो आपको 50% से ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पॉवर्टी लाइन क्या है, कौन इंडिया में कौन पॉवर्टी को एस्टिमेट करता है, नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम को कौन एस्टिमेट करता है, ये सारे स्टैटिक है, ये कभी चेंज नहीं होते। तो आपको यदि इन सब चीज़ों का भी नॉलेज हो जाए तो इंडियन इकोनॉमी से आप काफ़ी क्वेश्चन सही कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डुओपोली इज करेक्ट। अब आप डुओपोली तो जानते हैं बच्चों, ये माइक्रो से क्वेश्चन है। डुओपोली, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट डुओपोली के लिए सही है, बता सकते हैं आप लोग? डुओपोली के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए, डुओपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। पहले पढ़ ले जाए, देखिए क्वेश्चंस करने के पहले आपको सबसे पहले उसका आंसर देने के पहले क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन का जो आंसर है उसी में छुपा होता है बच्चों। क्योंकि आपने मास्टर्स किया हुआ है, MA किया हुआ आपने, और आप कहीं ना कहीं पढ़ा भी रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, तो मेरा यह मानना है कि उस क्वेश्चन का आंसर उसी में छुपा हुआ है। तो डुओपोली यानी जिसमें दो फॉर्म्स कंपीट करते हैं वो क्या है? डुओपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली, डुओपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर, डुओपोली इज अ स्पेशल केस फॉर मोनोपोली, डुओपोली इज अ स्पेशल केस फॉर इम्परफेक्ट कंपटीशन। नहीं बच्चों, इसमें से डुओपोली इज अ स्पेशल केस ऑफ ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर। ओलिगोपोली आपको पता है ना बच्चों क्या होता है, जिसमें फ्यू सेलर्स एंड फ्यू बायर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी हो सकते हैं बच्चों। तो जब उसमें सिर्फ दो ही फॉर्म होते हैं तब आप उसे डुओपोली कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए, पहला क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से था, मैंने किस तरीके से डिजाइन किया देख लिया, पहला क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से, दूसरा क्वेश्चन माइक्रो से, अब आप तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लेसेज फेयर इकोनॉमी। ये जो टॉपिक है लेसेज फेयर, आपके मैक्रो में भी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में भी है, बहुत जगह है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द लेसेज फेयर इकोनॉमी। लेसेज फेयर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बच्चों? लेसेज फेयर इकोनॉमी मतलब फ्री इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट का किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं होता है। इसमें हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि लेसेज फेयर इकोनॉमी किसका है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते थे कि भैया जो राजनेता है, जो पॉलिटिशियन है, उनको इकोनॉमिक्स नहीं आते हैं, उनको इकोनॉमिक्स नहीं आती है, इकोनॉमिक के प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं वो, इसलिए उनको इकोनॉमिक के डे टू डे अफेयर से अलग रहना चाहिए।
वो बना नहीं सकते, वो प्रॉब्लम समझ नहीं सकते, तो सॉल्यूशन क्या देंगे वो? लेसेंस फेयर इकोनॉमी का मतलब होता है कि विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इसमें किसी तरह का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। तो देख सकते हैं क्या आंसर होगा इसमें से। इट इज अ ब्रांच ऑफ सोशलिज्म दैट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन वेलफेयर। नो, इट इन्वॉल्व इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन प्राइवेट पार्टी विदाउट एनी इंटरवेंशन फ्रॉम द स्टेट और गवर्नमेंट। इट इज द टर्म इन विच डिनोट द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। नो, नन ऑफ द वाइज। बेटा इसका दो है, सेकेंड पार्ट है इसका, इसका आंसर है सेकेंड पार्ट। मतलब ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है जिसमें प्राइवेट पार्टी विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का किसी तरह का इसमें इंटरवेंशन नहीं होता है। समझ में आ रहा बच्चों? इस तरह के क्वेश्चंस को आप गांठ बांध लीजिए, मैं बता रहा हूं आपको, इस तरह के क्वेश्चंस यदि आप करते हैं तो आपका जीआरएफ कोई नहीं रोक सकता, बता रहे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। इन द सोलो मॉडल कैपिटल इज सब्जेक्ट टू, so as you add additional unit of capital to other fixed resources there comes a point where more capital does not increase output as much as it did before। क्या है बता सकते हैं आप लोग? ये बता रहा है कि सोलो ग्रोथ में कैपिटल इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में होता है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल में होता है, या कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में होता है, क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? या फैक्टर में होता है, क्या होता है? तो आपको तो मैंने बार बार ये चीजें बताई है कि सोलो ग्रोथ में कैपिटल इज डिमिनिशिंग, कैपिटल का जो इंपैक्ट होता है, यहां पर उसे डेफिनेशन भी लिखा है, देखो बच्चों, कि एज यू एड एडिशनल यूनिट ऑफ कैपिटल टू फिक्स रिसोर्सेस there comes a point where more capital does not increase output as much as it did before। मतलब जैसे जैसे आप capital बढ़ाएंगे एक point ऐसा आएगा जिससे additional unit of capital कम output produce करेगा। तो उसे क्या कहेंगे? Obviously diminishing कहेंगे, diminishing returns। देख सकते हैं बच्चों, diminishing returns, ठीक है, इसको कहेंगे diminishing return। अब है question number 5। In solo model, the point where investment equal to depreciation is known as, क्या कहते हैं? Solo growth में एक ऐसा point आता है जहां पे investment and depreciation दोनों बराबर हो जाते हैं, उसे आप क्या कहते हैं बच्चों? उसे आप क्या कहते हैं? ये देखिए, ये I is SFK, है ना बच्चों? I is SFK, मतलब इन्वेस्टमेंट I is SFK, और ये आपका डेप्रिसिएशन डेल के। इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं बच्चों? इस पॉइंट को आप क्या कहते हैं? इस पॉइंट को जहां पे इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन दोनों बराबर हो जाते हैं, आप उसे क्या कहते हैं? ऑब्वियसली स्टेडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल, यानी आपको याद होगा मैंने आपको इसको बताया था कि दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय के स्टार, यानी यहां पे स्टडी स्टेट का मतलब होता है कि यहां पे आप इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है बच्चों? यानी अब इससे ज्यादा इन्वेस्ट आप जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ज्यादा हो जाएगा, और यदि उसके पहले रहते हैं, मतलब इस साइड आप देख सकते हैं यहां पे डेप्रिसिएशन कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, डेप्रिसिएशन कम है इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा। लेकिन यदि यहां पे बात करें तो डेप्रिसिएशन ज्यादा है इन्वेस्टमेंट कम है तो कैपिटल स्टॉक घटेगा। तो क्या होगा बच्चों? इसको कहेंगे स्टेडी स्टेट। क्या कहेंगे बच्चों इसको आप? इसको कहेंगे स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल कहते हैं बच्चों। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को? नहीं। अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों। स्टडी स्टेट तो सीख लिया आपने,
अब कई बार क्वेश्चन आता है ये तो सोलो है, एक्सोजीनियस मॉडल है, एंडोजीनियस मॉडल में क्या स्टडी स्टेट पॉइंट आता है क्या? नहीं, वहां पे इकोनॉमी का ग्रोथ कभी रुक नहीं सकता। एंडोजीनियस मॉडल में यहां पे देख सकते हैं, यहां पे कैपिटल स्टॉक बंद हो गया, अब यहां पे कैपिटल ना बढ़ सकता है ना घट सकता है यदि ऐसा रहा तो। लेकिन एंडोजीनियस ग्रोथ में कभी भी स्टडी स्टेट लेवल नहीं आता है, इकोनॉमी कीप्स ऑन ग्रोइंग कीप्स ऑन ग्रोइंग कीप्स ऑन ग्रोइंग। तो ये एक्सोजीनियस मॉडल है, और एक्सोजीनियस में स्टडी स्टेट लेवल आ जाता है, जबकि एंडोजीनियस में स्टडी स्टेट नहीं आता है, वो इकोनॉमी कीप्स ऑन ग्रोइंग। और उसका रीजन क्या है? यहां पर डिमिनिशिंग रिटर्न है, अभी पीछे बताया था आपको इस क्लास में डिमिनिशिंग रिटर्न है, जबकि एंडोजीनियस में या तो कांस्टेंट रिटर्न है या फिर इंक्रीजिंग रिटर्न है। ये बातें आपको सम देखिए, एक क्वेश्चन लीड टू अनदर क्वेश्चन, वन क्वेश्चन लीड्स टू अनदर क्वेश्चन। ये सब बातों को आपको ध्यान रख करके पढ़ाई करनी है, अदरवाइज पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बता रहे हैं। चलिए आगे बात करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। अब वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था, ये किसे देख सकते हैं आप लोग, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन। ट्रेड बिटवीन टू कंट्री कैन बी यूजफुल इफ कॉस्ट रेशियो ऑफ गुड्स आर अनडिटरमाइंड डिक्रीजिंग इक्वल और डिफरेंट। बता सकते हैं आप लोग कि दो कंट्री के बीच ट्रेड बेनिफिशियल होगा या यूजफुल होगा, जब दो कंट्री तभी ट्रेड करेगा जब उनके कॉस्ट एंड प्रोडक्शन, मान लीजिए कि इंडिया भी ये पेन प्रोड्यूस करता है और पाकिस्तान भी ये पेन प्रोड्यूस करता है, या फिर इंडिया ये पेन प्रोड्यूस करता है और पाकिस्तान ये शर्ट प्रोड्यूस करता है, तो वो कब ट्रेड करेंगे? जब इंडिया में शर्ट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, पाकिस्तान में ज़्यादा होगा, तो पाकिस्तान इंडिया से इंपोर्ट कर लेगा, और इंडिया में इस पेन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और पाकिस्तान में कम होगा, तो हम यानी इंडिया पाकिस्तान से इंपोर्ट कर लेगी। तो जब कॉस्ट में डिफरेंस होगा तभी ट्रेड यूजफुल होगा, यानी यहां पे हम बात करते हैं डिफरेंट। क्लियर है बच्चों, ये बातें समझ में आ रही है आप लोगों को कि नहीं समझ में आ रही है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पढ़िए इसको आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, डंपिंग रेफर्स टू, डंपिंग क्या है? मैंने आप लोगों को कई बार ये चीजें बताई है, डंपिंग बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब कोई भी प्रोड्यूसर या कोई भी इंडिविजुअल अपने यहां यानी डोमेस्टिक इकोनॉमी में किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा चार्ज करता है और इंटरनेशनल मार्केट में कम प्राइस चार्ज करता है, तब उसे आप डंपिंग कहते हैं। आई रिपीट अगेन, डंपिंग क्या होता है? जब कोई भी प्रोड्यूसर अपने यहां मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी में किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा चार्ज करता है और इंटरनेशनल मार्केट में कम चार्ज करता है, तब आप उसे डंपिंग कहते हैं, ठीक है? और डंपिंग में भी कई तरीके प्रकार है बच्चों, आप लोगों को बताया था, आप लोगों परसिस्टेंट डंपिंग, ओकेजनल डंपिंग, ये सारी चीजें बताया था, उसको पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है? तो ये क्या है? रिड्यूसिंग टैरिफ? नो, टैरिफ रिड्यूस करना डंपिंग नहीं कहा जाता है बच्चों। सेल ऑफ गुड्स अब्रॉड एट लोअर प्राइस बिलो देयर कॉस्ट एंड प्राइस इन देयर होम मार्केट। ऑब्वियसली ये सामने आपके पास, जब कोई भी प्रोडक्ट डोमेस्टिक मार्केट में हायर प्राइस पे बेचा जाता है तो आप उसे, और इंटरनेशनल मार्केट में कम प्राइस में, तब उससे आप कहते हैं डंपिंग। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, आप इसे देख सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड एंड द डोमेस्टिक ट्रेड डिफर बिकॉज ऑफ, क्यों डिफर करता है इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड? जब आप किसी एक देश से दूसरे देश के बीच ट्रेड करते हैं एंड
किस डोमेस्टिक ट्रेड ही करते हैं, यानी खुद इंडिया में ही एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? देख सकते हैं आप लोग, डिफरेंस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, बिल्कुल सही बात है, इंटरनेशनल ट्रेड की पॉलिसी डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर, बिल्कुल सही बात है, डोमेस्टिक में आप चाहें तो मैं बिहार का हूँ तो मैं दिल्ली आ गया हूँ, या फिर मैं केरला जा सकता हूँ, मैं साउथ जा सकता हूँ, कहीं भी काम करने जा सकता हूँ, फैक्टर मोबिलिटी ईजी है, जबकि हमें दुबई जाना है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन है, मैं दुबई जाके काम नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए हमें परमिशन चाहिए, उसके लिए हमें पासपोर्ट चाहिए, उसके लिए हमें वीज़ा चाहिए, ये सारी चीज़ चाहिए, ये भी डिफरेंट है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, ऑब्वियसली डोमेस्टिक में कोई ट्रेड रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जबकि प्रोवाइडेड दैट लीगल गुड हो, ऐसा नहीं कि दारू बेच रहे हैं आप, दारू के ट्रेड कर रहे हैं, नहीं, तो यदि लीगल है ट्रेड तो डोमेस्टिक में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, जबकि इंटरनेशनल में रिस्ट्रिक्शन होता है, यानी इसका आंसर क्या है बच्चों, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप दैट सेंट्रल बैंक विल टेक टू इनकरेज ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। अब बड़ा सिंपल सा बात है भाई, किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कब बढ़ेगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। मतलब ये कि यदि मैं पैसा कहीं लगाता हूं, किसी बिजनेस में लगाता हूं, तो उस पर रिटर्न ज्यादा है, और बैंक से हमने उधार लिया तो उस पर इंटरेस्ट कम लगे हमारा, उसके लिए आरबीआई क्या करेगी, यानी रिटर्न बढ़ाने के लिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने के लिए आरबीआई क्या करेगी, कौन सा स्टेप्स लेगी कि इन्वेस्टमेंट बढ़े, है ना। देखिए प्लीज, यहां पे आप देख सकते हैं, इट विल टुक टू इंक्रीज कैश रिजर्व रेशियो, नो, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में घटेगी और उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा नहीं, रदर वो घट जाएगा, ठीक है। इट विल लुक टू रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो, ये है, कैश रिजर्व रेशियो जब घटाएगा तो बैंकों के पास लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अब वो ज्यादा पैसे लेंड कर सकते हैं, और जब लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ना ही है, यानी मनी सप्लाई बढ़ेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। चलिए, ये भी हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप दैट सेंट्रल बैंक विल टेक टू इंक्रीज द ओवरऑल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट बढ़ाने के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट बढ़ाने के लिए, यानी सबको लोन आसानी से मिल जाए, सबको लोन आसानी से मिल जाए, उसके लिए आरबीआई क्या करेगी या सेंट्रल बैंक क्या करेगा। देखिए, इट विल सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द मार्केट, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करेगी तो पब्लिक के पास बॉन्ड होगा, पब्लिक के पास बॉन्ड होगा, कैश नहीं होगा तो मनी सप्लाई घटेगा, तो ये नहीं होगा, है ना, जबकि हम बात कर रहे हैं इंक्रीज करने का। इट विल बाय मोर गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम द मार्केट, यस, जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करेगी तो पब्लिक के पास बॉन्ड के जगह पे क्या होगा, बॉन्ड होगा, आप सर बॉन्ड के जगह पे कैश होगा, तो यहां पे मनी सप्लाई बढ़ेगा, आंसर विल बी दिस आई थिंक। इट विल रेज द रिजर्व रेपो रेट, नो, इट विल रेज द रेपो रेट, नो, तो ये सिंपल सा, ये वाला इसका पार्ट बी है बच्चों। तो बच्चों, अब इस क्लास में इतना ही बच्चों, और हाँ, यदि आपको श्योर शॉट दिसंबर वाला एग्जाम क्लियर करना है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9910569227 पे, जल्दी से कॉल कीजिए, मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है और अभी भी मैं आप लोगों को 40% का डिस्काउंट दे रहा हूँ बच्चों, जल्दी कीजिए, अदरवाइज बस छूट ना जाए। थैंक यू।